आज मुहर्रम की 3 तारीख है दोस्तों, शाम का समय हो रहा है। सलीम पहलवान की मेहंदी उठेगी तो जा रहे उधर ही। चलो आपको कुछ पहले दिखा दे तो, उठने से पहले कैसे मेहंदी सज रही है, अगर अलाउ होगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अभी हम जा रहे गड़ी सराय, जहाँ से दोस्तों सलीम पहलवान की मेहंदी उठती है और यहाँ से मुहर्रम की 7 तारीख को उठती है अनवर चंदा की मेहंदी। ये आ गए हैं दारा साजमल वाली गली में, ये हरे लाल कलर के झंडे नकाश कोने पे निकला है अभी हम। ये देखो सागन थाना है, बस यहीं से सीधा चलेंगे। रात में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, नहीं होती है। इस तरफ जाएंगे तो लोकनाथ, इस तरफ चलेंगे तो कोतवाली। भाई जो इलाहाबाद में रहते उनको तो पता ही है। ये देखो हरे लाल झंडे लगे हैं चारों तरफ और इस सामने काफ़ी खूबसूरत सी मस्जिद। ये जो सामने गली दिख रही ना, यही गली से उठती है सब्जी मंडी की मेहंदी। अभी सजरी अंदर, अभी से 3-4 घंटे बाद बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, पैर रखने की जगह ना होगी 10-11 बजे तक। अभी तो मेहंदी सज रही है, चले अंदर देखते हैं। ये मेहंदी सज रही है, ये चौकी है। चलो भाई अभी चलते हैं दोस्तों यहाँ से। असगर अली का झूला यहीं पे रखा जाता है। दोस्तों अभी हो चुका है मगरिब की नमाज का समय, तो नमाज सबसे ज़रूरी है, ये सब काम तो चलता रहेगा। Hours later. दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं और अभी मेहंदी उठने में 1 घंटा बाकी है। 4 घंटे बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ। अब बस इंतजार है मेहंदी उठने का, ये गरम गरम ना निकल रही है, अभी लाइट नहीं आ रही है। तैयार हो गया, गुम्मा जी इस तरफ रखा है। ये मेहंदी बाहर आ चुकी है, फोकस है 1 2 3 4 5 6 फोकस है, उस तरफ कितना होगा पता नहीं। अभी फातिहा और उसके बाद तुरंत मेहंदी उठ जाएगी दोस्तों। मजाक
मेहंदी उठने की फाती हो गई, मेहंदी उठने वाली है दोस्तों। देखिए इस वक्त
अभी पहलवान की जाने से उठाई गई थी तारीख के बिंदु अपने कदीमी रास्ते को तय करता हुआ बात की मंडू अहले अजाने कर लिए काले लिबास हाथ हैं सीनों पे आंसू आंख में चेहरे उदास